हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे कि इक्लिप्स के अंदर में एक कैसे जावा का प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। तो जैसा कि एक छोटा सा सिनेरियो मैं उससे पहले समझाना चाहता हूँ, इंट्रो भी दिया हूँ ऑफलाइन में, बट ऑनलाइन में भी जो लोग हैं उनके लिए है छोटा सा बात कि जावा के अंदर में हमने कहा है कि तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास, एक एक कोई चीज़ ये है, ठीक है ना? ठीक है, उसके बाद फिर और चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ और है, ठीक है, ये भी है। मान लीजिए, चलो मैं ऐसी कुछ भी एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके बारे में भी डिस्कशन करूँगा, और फिर इसके अंदर भी कुछ है, ठीक है? तो इसके अंदर भी कुछ है, ठीक है, इसके अंदर भी कुछ है। अब देखिए, तो जावा के अंदर में बेसिकली तीन चीज़ें हैं, और सबसे पहला जो है ऊपर में, ये जो इसका जो अब हम बात कर रहे हैं, सबसे ऊपर में जो है ये है कि पैकेज होता है, यानी कि पैकेजेज है। सबसे पहले क्या है? पैकेज है। अब पैकेज के अंदर क्या है? क्लास है। क्लास के अंदर क्या है? मेथड्स है, ठीक है ना? इन चीजों के ऊपर में डिस्कशन किया है। तो सबसे बड़ा वाला बॉक्स क्या है, मान के चलिए कि पैकेज है। क्यों पैकेज कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, इसमें थोड़ा एक छोटा सा पॉइंट है कि मेथड्स जो होते हैं वो किसी न किसी क्लास के अंदर होता है। ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि सिमिलर प्रॉपर्टीज के मेथड को क्या कर दिया गया? क्लास के अंदर रख दिया गया है, ठीक है ना? एक कॉमन क्लास यानी कि ग्रुपिंग किया गया। तो सिमिलर सिमिलर जो टाइप्स के जो मेथड्स थे उसको एक ग्रुप में डाल दिया गया। अब सिमिलर ग्रुप के जो क्लासेस थे उसको एक पैकेजेज में डाल दिया गया है, ठीक है? अब हम पैकेज पहले बनाएंगे, ठीक है, फिर उसके अंदर क्या बनाएंगे? क्लास बनाएंगे और उसके अंदर मेथड बनाएंगे। क्लियर है? तो यही चीज हम लोग इक्लिप्स में भी करेंगे एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ठीक है ना? तो इसीलिए मैं चीज ये दिखाया हूं आपको, ठीक है? इसमें टेंशन नहीं लेना है कि पैकेज क्या है, क्लास क्या है, मेथड क्या है, सबके बारे में हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे। दूसरा तीसरा क्लास हम लोगों का जो और आएगा उन सब में पहले यही डिस्कशन कर लेंगे, उसके बाद में फिर आगे बात करते रहेंगे, ठीक है? तो चलिए, एक इक्लिप्स में एक छोटा सा बेसिक हम लोग कोड लिखेंगे जिसमें हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे। ये इक्लिप्स इंस्टॉलेशन हमने पिछले क्लास में बता दिया था कि कैसे इक्लिप्स को डाउनलोड करना है और कैसे इक्लिप्स को इंस्टॉल करना है, ठीक है ना? तो ये इक्लिप्स का बाय डिफॉल्ट जो इसमें हमने सेट कर दिया है, पहले तो कुछ और था, इसका लोकेशन वर्क स्पेस का लोकेशन, हमने इसका लोकेशन चेंज किया है। तो आप भी यहाँ से ब्राउज करके जिस भी लोकेशन पर आप अपना वर्क स्पेस रखना चाहते हैं, जहाँ पे आप काम करना चाहते हैं, जिस भी ड्राइव में रख सकते हैं यहाँ से क्लिक करके, बट इसमें हम अपना सेट कर लिए हैं, है ना? तो अब इसको हम क्या कर देते हैं? लॉन्च कर देते हैं। अभी देखिए कह रहा है क्या है कि यूज दिस एज द डिफॉल्ट एज डू नॉट आस्क अगेन। आप चाहते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट का लोकेशन है ये हर बार वही रहे, बार बार आपसे नहीं पूछे, तो आप इसको टिक कर दीजिए और लॉन्च कर दीजिए, दोबारा ये स्क्रीन आपके पास नहीं आएगा। और ये ठीक भी है, हम बार बार क्यों वर्क स्पेस चेंज करेंगे? एक बार हम अपना जगह दे दिया तो हम इसको यूज कर लेंगे, तो यहाँ पर लॉन्च कर देंगे, ये अपना ऑन हो जाएगा। अब थोड़ा टाइम ले रहा है बट नो इशू। तो यहाँ पर देखिए एक्लिप्स स्टार्ट हो रहा है। और ये चालू हो गया है एक्लिप्स। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज है, तो यहाँ पर भी बहुत सारा है, तो क्लोज कर लेते फिलहाल, ठीक है, या रहने देते इसको। हम लोग यहाँ चलेंगे न्यू में, ठीक है, यहाँ से भी चल सकते हैं, बट हम लोग फाइल में चलेंगे, न्यू में जाएंगे। और हम लोग को अभी क्या करना है? जावा का प्रोजेक्ट करना है ना? इधर कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो कोई बात नहीं, अदर में चले आएंगे और हम लोग जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेंगे। किसको क्लिक कर लेंगे? जावा प्रोजेक्ट, एकदम इजिली है, ठीक है ना? इजी है, एकदम इजिली इसको काम करिए रिलैक्स होके। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए, आपके पीसी में जो जावा का वर्जन इंस्टॉल्ड है वो यहाँ पर ले रहा है। वैसे आप चाहे तो तीन चार जावा भी इंस्टॉल करके रख सकते हैं, अलग अलग वर्जन। कई बार होता है कि पुराना प्रोजेक्ट है तो पुराना वर्जन पर चल रहा होगा, आप उसको इक्लिप्स में आप लोड करेंगे तो पुराना वर्जन के साथ लोड होगा, ठीक है? तो आप यहाँ से वर्जन भी चेंज कर सकते हैं। मेरे पीसी में 17 था, जावा एसी, जावा का स्टैंडर्ड एडिशन 17, तो यहाँ पे 17 चल रहा है, 18 19 है। देखिए इक्लिप्स भी कह रहा है अपडेटेड इक्लिप्स, कि कौन मार्केट में अभी आ गया है? 19 आ गया है। तो अब कई बार सवाल होता है इंटरव्यू में कि जावा के कितने वर्जन्स हैं, है ना? तो आप यहाँ से बोल सकते हैं फाउंडेशन है ना, मिनिमम था, फाउंडेशन था, 1.1 है, 1.1 में है, 1.2 आया, 1.2, 1.3, 1.4, ऐसे कर कर करके 1.8 के बाद सीधे 9 आ गया है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 17, 18, 19 तक है, ठीक है ना? तो हम अपना यहाँ पर ये रखेंगे।
और प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं, तो हम क्या देते हैं, डेमो स्पेस नहीं देते हैं, डेमो जावा ऐप, ठीक है ना, ये दे दिया हमने, और इसको हम लोग मिक्स कर लेते हैं, हो गया, फिनिश कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा ओपन प्रस्पेक्टिव, ठीक है, ये हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ये प्रोजेक्ट तो बन गया, सब कुछ जावा का जितना भी लाइब्रेरी था जो जरूरी पड़ेगा हमें, जेडीके का, सेल, नेट, रैंडम, ये देख लीजिए, जेडीके का जितना भी लाइब्रेरी था ये ला करके दे दिया है। ये जो जरूरी है, बेस है, कंपाइलर है, डेस्कटॉप है, आप इसको देख पा रहे होंगे, इसमें वो सब लाइब्रेरी है। देखिए जावा का आईओ क्लास अभी यूज किए है ना हम लोग, है ना, अच्छा इसमें तो नहीं यूज किया हम लोग, ऑफलाइन में यूज, कोई बात नहीं, हम भी यहाँ देखेंगे। देखिए बफर्ड इनपुट आउटपुट क्लास, अभी हम लोग कंसोल यूज किए थे साथ में, मेरा ख्याल है दिखाए थे आप लोगों को, तो यहाँ पर वो क्लास अवेलेबल होगा सारा जावा का आईओ, देखिए कंसोल क्लास है ना, है ना, तो सारे इसमें मिल जाएंगे। तो ये क्या कर रहा है बेसिकली, देखिए अब देखिए इसके अंदर, ये देखिए ये जावा डॉट आईओ पैकेज है, ये पहले से बना हुआ है, प्री डिफाइंड है, हम लोग नहीं बनाए, है ना, ये प्री डिफाइंड, तो उसके लाइब्रेरी में ऐड कर दिया। अब देखिए इस पैकेज के अंदर क्लास है ना, क्लासेस है, अब उस क्लासेस के अंदर देखिए क्या है, क्लासेस के अंदर देखिए, याद होगा अगर आप लोगों को रीड लाइन यूज किए थे, ठीक है, हाँ, जो ऑनलाइन देखेंगे वो टेंशन ना ले, बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब कुछ ईजी है, और हम लोग यहाँ पर सब कुछ डिस्कशन करेंगे आराम से एकदम। तो यहाँ पर देख रहे हैं आउट है, देखिए है ना, इनकोडिंग है, तो ये सब देख रहे हैं इसके अंदर मेथड्स बने हुए हैं ना। तो अभी हमने वही जो हम पेंट में जो भी इमेज हमने दिखाया, एक बड़ा चीज है, उसके अंदर क्लासेस है, उसके अंदर पैकेज है, मेथड्स है, यानी पैकेजेस के अंदर क्या क्लासेस, क्लासेस के अंदर मेथड्स। तो जो प्री डिफाइंड इसका आर्किटेक्चर है, हम लोग भी जब अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे जावा का तो क्या करेंगे, उसी आर्किटेक्चर में बनाएंगे, है ना। तो ये लाइब्रेरीज हैं, उसी तरह से सारे लाइब्रेरीज हैं, बहुत सारे लाइब्रेरीज है, हर काम को करने के लिए अलग अलग लाइब्रेरी है। ये जो है इनपुट आउटपुट से रिलेटेड है, ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है, अब देखिए ये मैथ से रिलेटेड है, ये नेट से रिलेटेड है, ये फाइल वगैरह ये भी सिक्योरिटी से है, ये टाइम से है, ये जोन से है, ये यूटिल है, जावा डॉट यूटिल, यानी कि स्कैनर क्लासेस वगैरह इसके अंदर होगा, समझ रहे हैं। तो आपको अलग से जाके देखने की जरूरत तो कई बार नहीं होगी कि कौन कौन सा क्लासेस एंड पैकेजेस इसके अंदर है 17 के अंदर, तो वो सब यहां आ जाता है। अगर फिर भी आपको कई बार लगे कि नहीं मुझे देखना है, तो आप बेहिचक जावा के डॉक्यूमेंटेशन जाके ओरेकल के साइड से देख सकते हैं। ये हो गया, हम इसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे जेआरई के लाइब्रेरी में, ठीक है, हम लोग कहां पर कुछ भी करेंगे सोर्स में करेंगे करेंगे तो, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर लेते हैं कि एक पैकेज बना लेते हैं, ठीक है ना, दे दो यार, लग ठीक, हाँ। तो अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पैकेज बनाएंगे, ठीक है, पैकेज बनाने के बाद क्या कर लेना होगा हम लोग को, क्लास बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले पैकेज बनाएंगे, तो पैकेज क्या करते हैं, सोर्स के अंदर ही बनाते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग इसी में काम करेंगे। तो सोर्स पर राइट क्लिक करें, न्यू पर करें, जाए यहां पर पैकेज पर आ जाए। अब पैकेज का नाम क्या दे दें हम लोग, हम लोग लिख देते हैं कि खुद का पैकेज हम लोग बना रहे हैं, तो खुद का पैकेज बना रहे हैं तो माई पैकेज कर देते हैं, क्या एम वाई पैकेज फिलहाल, ठीक है, माई पैकेज, ठीक है ना, हो गया, कोई इशू करे,
और इसको आप फिनिश करेंगे। तो यहां आप देखिए, आप यहां पर एक पैकेज बन गया। अब इस पैकेज के अंदर क्या करना होगा हमें? क्लास बनाना होगा। अब क्लास के अंदर क्या बनाएंगे? मेथड्स बनाएंगे। आप लोग समझ गए हैं प्रॉपरली, बस यही स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है ना। अब पैकेज के अंदर आ जाते हैं। ये एक ऑलरेडी पहले सब बना हुआ है कुछ तो, कुछ भी एक पहले से बना हुआ है, बट कोई बात नहीं, हम लोग इसको नहीं करेंगे कुछ भी, ठीक है ना। इसको छोड़ देते हैं, हम अपना पैकेज के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। यहाँ राइट क्लिक किया, फिर से क्या करेंगे? क्लास बनाएंगे। तो क्लास का नाम कौन सा ले लेते हैं? डेमो क्लास, ठीक है। उसको पब्लिक रहने देंगे, ठीक है, और फिनिश कर देते हैं। बन गया ये क्लास, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग जाके खुद से लिख सकते हैं मेथड, ठीक है, या तो अब हमें क्या बनाना होगा? ये दिख रहा है आप लोगों को कि जूम कर दें थोड़ा और हम फॉन्ट साइज बढ़ाएंगे इसमें। क्योंकि आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, तो देखते हैं कि कहां से बढ़ेगा। ध्यान दीजिए, यहां चले आइए, एडिटर को जूम करने का तो पहले यहां पर है, ठीक है, थोड़ा जूम कर देते हैं। देख लीजिए, इसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस, ठीक है, कंट्रोल प्लस, और जूम करते हैं होता है कि नहीं, बट यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसे बढ़ा देते हैं। अपीयरेंस, अभी जूम कर लेते हैं, बाद में देख लेंगे, ठीक है। जूम इन, इतना पे तो दिख रहा होगा, ये साइड दिख रहा है, इसको भी थोड़ा जूम करना चाहिए था। एडिटर में टॉगल मैक्सिमाइज, तो नेविगेशन से वाइट से डिफरेंसेस से उसी में देना चाहिए था इसको, कोई बात नहीं है, बाद में देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जैसे बनाते थे अब मेथड, अब ये हमारा बन गया, ये देखिए, ये पैकेज हो गया ना, पैकेज का नेम, ठीक है, और ये हमारा क्लास बन गया, पब्लिक क्लास। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? मेथड बनाएंगे पब्लिक, है ना, स्टैटिक वॉइड और मेन, ठीक है। और ये जैसे हम लोग लिखते थे, ये स्ट्रिंग args, ये जो ऑब्जेक्ट बनाए थे वो, और ये, ठीक है।
चलिए, ये हो गया। यहाँ पर कोई मैसेज हम लोग दे देते हैं, हेलो, ठीक है ना। तो ये हमारा एक बेसिक प्रोग्राम इक्लिप्स के अंदर बन गया। अब इसको रन करना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सब ऑप्शन दिया है रन करने के लिए, रन डेमो क्लास कह रहा है ना। तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए तो रन हो जाएगा, या फिर रन एज जावा एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, या यहाँ से भी क्लिक करके आप रन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी पर क्लिक करके इसको रन कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए रन एज जावा एप्लीकेशन 3-4 जगह से होता है, कहीं से भी करिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको चलना चाहिए। देख लीजिए आपका यहीं पर मैसेज दिख गया हेलो, ठीक है ना, हेलो जावा, ठीक है। कोई इशू तो सीख गए कि इक्लिप्स के अंदर जावा में कैसे प्रोग्राम बनाएंगे और कैसे रन करेंगे। तो पहला पैकेज हमने बनाया, पहला क्लास बनाया, और ये पहला मेथड बनाया उस क्लास के अंदर में, और इसको सक्सेसफुली हम लोगों ने रन भी किया है इक्लिप्स के अंदर में। कोई इशू नहीं है, आगे का टॉपिक और हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इसमें इतना ही रहने देंगे। ओके, थैंक यू।